إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم व शरूर महद वक़ुल्ला महदिन बिदा वक़ुल्ला बिदातिन दौला वकुल्ला गलातिन फिनार महतरम साथीओ ये सी आई एस की तरफ से कवायद फ़ियाँ से मुतल जो ये दर्स उसका इंतज़ाम जो यहाँ पर किया गया है जिसको अरेंज किया गया है यहाँ पर मेरे ख़्याल में ये चीज़ वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है लेकिन जैसा कि हमारे बाज़ भाइयों को इस सिलसिले में कुछ इश्काल भी थे कुछ शुभहत भी थे कुछ ख़दशात भी थे तो मैं इसलिए कुछ चंद चीज़ें पहले आप लोगों के सामने वाजे करना चाहता हूँ और आज का हमारा ये दरस ये तमहदी दरस ही होगा हम बाकायदा इस सब्जेक्ट को आज शुरू तो नहीं करेंगे लेकिन सब्जेक्ट से मुतक कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ कर देंगे सबसे पहली चीज़ जिसको मैं आपके सामने वाजह करना चाहता हूँ वो हैं वो खदशात जो हमारे बाज भाइयों के जहन में थे इसको शुरू करने से पहले हम ज़रूरी है कि हम इन खदशात को अपने जहन से दूर करें इसको ख़त्म करें खदशा क्या था होता ये है आम तरीके से जैसा कि बाज भाइयों ने यह बयान किया कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो लोग उसमें शिरकत करते हैं उनके जहन में बाद में ये चीज़ पैदा होती है कि माशाल्लाह हमारे पास बहुत कुछ इल्म आ गया है और उसकी वजह से ये चीज़ पैदा होती है कि वो अपनी तरफ़ से कुछ फतवा देना शुरू करें कोई और चीज़ हो जाए उनकी तो ये परेशानियाँ हो सकती हैं माशरे में उससे परेशानियाँ आ सकती हैं इस तरह के खदशात थे तो मैं ये चीज़ पहले आपके सामने वाज करना चाहता हूँ कि हमको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी शख़्स हो जो चीज़ इल्म की है इल्म का जिससे ताल्लुक़ है वो किसी ख़ास किसी भी शख्स के लिए ख़ास नहीं है या हम इसके बारे में ये सोचें कि अगर कोई शख्स मदरसे में पढ़ा हुआ हो तो उसको समझ सकता है या ये कि उसकी वजह से उसको कोई परेशानी नहीं आएगी जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको परेशानी आ जाएगी वो किसी चीज़ में मुबला हो जाएगा तो इस तरह की जो सोच होती है ये सोच सही नहीं होती है बल्कि सही सोच इसके बारे में यही है कि हम ये सोचें हमेशा कि हम जो कुछ भी सीखते हैं इन सब को सीखने के बावजूद भी हमारे पास जो भी इल्म आया है अभी हम ज़ीरो के दर्जे में हैं उसमें हमारे पास जो भी इल्म आया हुआ है अभी हम उसमें ऊंचे दर्जे को नहीं पहुंचे हुए हैं बल्कि ज़ीरो के दर्जे को पहुंचे हुए हैं ये जहनीत कैसे किसी के अंदर पैदा होती है और यही चीज़ ज़रूरी भी है हर एक के अंदर ये चीज़ रहनी भी चाहिए किसी भी शख़्स को जो इल्म आता है उसके बारे में उसके जहन में पहले क्या चीज़ आनी चाहिए हम इस सिलसिले में अम्बिया के सीरत को जब देखते हैं तो हमारे सामने कुछ चीज़ें वाज़ होती हैं इल्म के बारे में कहा जाता है इल्म हासिल करने के बारे में बेहतरीन मिसाल मूसा और ख़जराम है बहुत ही बेहतरीन मिसाल है ये हासिल करने की और अल्लाह तबारक व ताली ने जो इस किस्से को कुरान में बयान किया और फिर उसको बड़ी तफसील से अल्लाह के रसूल सदीस में बयान किया है और वो सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमत इल्म के बाद में ख़ास तरीके से उस पीले किस्से को बयान किया है क्योंकि उसके अंदर इल्म के तल्ल से बड़ी अहम चीज़ें हैं उसको हमेशा हमें अपने जहन में रखनी चाहिए जब सलाम सीखने के लिए गए खजर आलाम के पास और उनको सीखने के लिए कहा गया जब उनको वहाँ जाना था उसके लिए जो अल्फाज क़ुरान के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो इल्म के हासिल करने के लिए हर ताल इल्म के सामने वो चीज रहना जरूरी है जो अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किया वो क्या है लन अब रहा इस सिलसिले में जो अल्फाज क़ुरान ने इस्तेमाल किए हैं वो अल्फाज ये हैं कि लन अब रहा हत्ता अब लगा मजमाल बहाम से जब ये कहा गया कि आप जाइए किसके पास सीखने के लिए सलाम के पास जाइए सीखने के लिए तो उन्होंने लफ्ज़ जो अल्लाह तबारक व तै ने उनकी ज़बान से इस्तेमाल किया है वो क्या है लन अब रहा हत अबलोगा मजमा अलबा हराइन अब अम दिया अरबी ज़बान के लिहाज से इसके माने होते हैं कि मैं चुपके नहीं बैठूँगा जब तक कि मैं मजमूल बहराइन जो दोनों के मिलने की जगह बताई गई थी जब तक मैं वहाँ न पहुँच जाऊँ चाहे मुझे इसमें एक लंबी उम्र ही क्यों न खपानी पड़े लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाऊँगा तब तक मैं चुप के बैठूँगा नहीं एक तालब इल्म की पहली चीज़ ये होती है इल्म हासिल करने के लिए ये आपके जहन में रहे कि हम सब के सब इल्म हैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप तलब इल्म मैं तालब इल्म नहीं हूँ सब के सब क्या हैं तालिब इम है एक तलब इल्म की पहली शर्त क्या होती है इल्म हासिल करने के लिए कि जब वो किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है तो पहले अपने जहन में ये बैठा ले कि मैं इस इल्म को हासिल किए बगैर चुपके बैठने वाला नहीं हूँ जब मैं इसको शुरू कर रहा हूँ तो मैं इसको आखिर तक ले जाऊँगा बीच में छोड़ूँगा नहीं ये इल्म के हासिल करने की पहली उन्होंने पक्का इरादा किया आज़म किया कि जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाऊँगा जहाँ मुझे इल्म हासिल करना है तब तक मैं रास्ते में कहीं बैठने वाला नहीं हूँ बैठ करके ही मैं वहाँ पहुँच करके ही मैं दम लूँगा उससे पहले दम नहीं लूँगा उस पूरे वाक़े में उसके बाद ये बयान किया गया है कि मूसा सलाम चलते रहे चलते रहे यहाँ तक कि काफ़ी थक चुके थे लेकिन उनको थकान का एहसास नहीं हुआ जहाँ उनकी मछली गायब हुई वहाँ उन्होंने क्या कहा अपने फतेह जवान से कहा उस वक्त कि अब मुझे कुछ थकान का एहसास हो रहा है लाओ हमारा जो नाश्ता है हम नाश्ता करते हैं उससे मुफसरीन ने यह नुकता निकाला है कि जब कोई शख्स अपने सामने कोई ऊंचा मकसद रखता है तो ऊंचा मकसद रखने की सूरत में जब तक वहां पहुंच नहीं जाता है तब तक उसको थकान का एहसास नहीं होता है रास्ते में कितनी भी तकलीफ हो बर्दाश्त करते हुए वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है तो पहली दरस के ताल्लुक़ से जो तमहीद की बात है पहली बात यह है कि हम यहाँ हाज़िर हुए हैं तो ये पहले ही जहन में बैठा लें कि हमको इसे आखिर तक ले करके चलना है हम उस वक्त तक दम नहीं लेंगे जब तक हम इसे मुकम्मल नहीं कर लेंगे जब तक हम इस सब्जेक्ट को मुकम्मल तरीके से हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे हम बराबर इसको हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे जो भी मेहनत जो भी तकलीफ जो भी परेशानी आएगी सबको बर्दाश्त करेंगे बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे ये पहली चीज दूसरी बात क्या है जब पहुंच गए मूसा सलाम वहाँ पे तो वहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहला दर्श जो दिया उनको हजीर आसम ने वो दर्श क्या था यही था कि मूसा इस बात को आप जहन में बैठा लीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको कुछ ऐसा इल्म दिया गया है जो मुझे नहीं दिया गया है और मुझे कुछ ऐसा इल्म दिया गया है जो आपको नहीं दिया गया ये पहला दस था जो किसने दिया हजीर अलैहिस्सलाम ने मूसा को मूसा यह बात याद रख लो कि अल्लाह की तरफ़ से आपको कुछ ऐसा इल्म दिया गया जो मुझे नहीं दिया गया और मुझे कुछ इल्म दिया गया जो आपको नहीं दिया गया ये कभी भी उस्ताद और शागिर्द दोनों के लिए चीज़ होती है यानी हमेशा उस्ताद को भी ये जहन में रखना चाहिए कि हमारे सामने जो बैठे हुए लोग हैं इनको अल्लाह ने कुछ ऐसा इल्म दिया है जो हमारे पास हमारे पास नहीं है वैसे ही मामला उल्टे भी होता है तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि यकीन अल्लाह ताला ने आपको कुछ ऐसा इल्म दिया है जो हमारे पास नहीं है कुछ हमारे पास है जो आपके पास नहीं है जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक बेहतर शक्ल होती है तो कभी भी ये जहन में नहीं आना चाहिए किसी के भी चाहे मैं हूँ कोई और भी शख्स हो कि हमारे सामने जो लोग हैं उनके पास इल्म नहीं हमारे पास इल्म है अगर ये सुनेंगे तो नहीं ये हो सकता है कि किसी और चीज़ में मुबला हो जाए तो ऐसा कोई मामला नहीं होता है अल्लाह का फल्लोक्रम है हर एक के पास अल्लाह ने कुछ इल्म दिया है जो दूसरे को नहीं दिया है दुनिया में किसी भी शख्स का इल्म मुकम्मल नहीं है मुकम्मल इल्म सिर्फ़ सिर्फ़ अल्लाह का है। किसी भी शख्स को अल्लाह ने दुनिया में मुकम्मल इल्म नहीं दिया और किसी को ऐसा भी नहीं रखा है कि उसके पास कुछ भी इल्म ना हो हर एक के अंदर कुछ न कुछ इल्म होता है दुनिया का जो सबसे जाहिल आदमी होगा उसको भी जो भी उसका अपना काम होगा उसके बारे में ज़रूर मालूम होंगी वह इल्म उसके पास ज़रूर होता है अगर कोई कारपेंटर है कुछ भी नहीं पढ़ाया अल्लबा भी नहीं जानता है लेकिन उसको अच्छी तरह से मालूम है कि ये मेज उसको कैसे बनानी है यह इल्म उसके पास मौजूद है तो जाहिल से जाहिल आदमी भी इल्म से खाली नहीं है दुनिया का जिनको हम जाहिल कहते हैं अपने इस, इसके लिहाज से जिन चीज़ चूंकि उन्होंने स्कूल का रास्ता नहीं देखा या मदरसे का रास्ता नहीं देखा तो हम अपनी जबान में उनको जाहिल कह लेते हैं लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि जाहिल से जाहिल आदमी के पास भी इल्म होता है उसके बगैर वो नहीं रहता और दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी उसका इल्म नाकिस है मुकम्मल नहीं है हर एक को ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए जब ये चीज़ होती है जहन में तो कभी भी इंसान के अंदर अल्लाह के फलोक करम से तकबूर की बात नहीं आती है तो की बात नहीं आती है अपने आप को बड़ा समझने का मसला नहीं पैदा होता है जब यह तस्वर उसके अंदर अच्छी तरह से बैठ जाए तीसरी चीज़ जो मूसा सलाम के इस हिस्से में अल्लाह तबारक व ताली ने ख़ास तरीके से हमारे लिए बयान की है और उसकी भी बड़ी अहमियत है वो चीज़ें हमारे जहन में रहेंगी तो आगे में हमें ये चीज़ें काम आएंगी और उसी लिये तमहीद के तौर पर मैं ये बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ जब मूसम वहाँ पहुँच गए और दोनों की गुफ्तु शुरू हुई गुफ्तु शुरू होने के बाद अलैहिस्सलाम ने कुछ शर्तें रखी कुछ बातें रखी लेकिन उसके पहले अगर आज की ज़बान में अगर हम यानी तली में उसको कहना चाहें तो यूँ कह लीजिए कि जब मूसीम ने खजीराम के स्कूल में एप्लीकेशन दी पढ़ने के लिए दरखास्त दी तो वो किन अल्फाज में देते हैं देखिए है उसको वो कहते हैं हल अत का हल अथबी उक अला अंतु अल्ले मनी मिम्मा उल्लिम त रुशदा जा करके मूसा अलैह सलाम ने खजिर अलैह सलाम से इन अल्फाज में दरखास्त की उनके पास इल्म हासिल करने के लिए ये भी इल्म के हुसूल के लिए और किस तरीके से किसी शख्स के पास इल्म आता है उसके लिए कहा जाता है कि ये भी एक बहुत ही रोशन शाहरा है या बड़ा अहम उसूल है इस मैदान का ये यहाँ बयान किया गया हल अबी उकथमी रुशदा मूा अफजल हैं या खजीराम जी बोलिए मिसाई या खजी मूसा इसमें कोई शुभा नहीं है आँ कोई शुभह की बात नहीं है क्योंकि खजीर असलाम के बारे में ये बात कही जाती है कि खजीर अलीलाम कौन है थोड़ा सा उसके अंदर लोगों में इख्तलाफ है कि वो नबी हैं या वली हैं या एक तीसरा नबी वली या फरिश्ते क्या हैं तीन उनके बारे में बातें आती हैं नबी थे वली थे या फरिश्ते थे ज़्यादा जो उसके बारे में सही बात है वो है कि वो नबी थे तो खजी साम क्या हैं नबी हैं और इनके मुकाबले में मूस सलाम के बारे में मुतक़ अलह बात है कि ये उन पाँच रसूलों में से एक हैं जिनको क्या कहा जाता है उल अज़ रसूल कहा जाता है पाँच कौन कौन है जी नू आम इब्राहीम मूा ईसा और मोहम्मद सल उनमें से एक है पांच में से एक है उसमें से, उस से खजिर नहीं है ये यकीनी बात है कि अलैहिस्सलाम किससे अफजल हैं, खजिर से अफजल हैं। इसमें कोई शुभ की बात, कोई शुबहे की गुंजाइश नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी मामला क्या है एक ऐसा आदमी जो सामने वाले से अफजल है सामने वाले से अफजल है बेहतर है सब कुछ है लेकिन फिर भी जाकर के वहां दरखास्त जब कर रहे हैं उनसे कुछ सीखने की तो क्या कह रहे हैं हल अत मैं इसका पहले तर्जमा कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि इसमें कितने निकात अल्लाह ताला ने जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कितने इल्म लिहाज से कितने उसके अंदर मौजूद हैं क्या मैं आपके पीछे पीछे रहू हल अभी ओका क्या मैं आपके पीछे पीछे रहू अला इस बात पर कि आप मुझे सिखाएं उसमें से थोड़ा जो आपको सिखाया गया है हिदायत की बातें पीछे पीछे रहूं ठीक है पहली चीज जो सलाम ने इसके अंदर खास तरीके से खजीर अलैहिस्सलाम के सामने जब यह चीज पेश की है तो सबसे पहला जो नुक्ता है वह यह है कि उन्होंने कहा कि मैं आपके पीछे पीछे रहू मैं आपके पीछे पीछे रहू जबकि जो शख्स ये बात कह रहा है वो सामने वाले से अफजल है लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं आपके पीछे पीछे, पीछे रहा हूं। साथ में रहने की बात नहीं है आगे तो खैर दूर की बात है साथ में रहने की बात नहीं सिर्फ ये है कि मैं क्या चाहता हूँ मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूं इस सिलसिले में क्या है पहले ही शागिर्द ने यह बात कह दिया कि मैं यहाँ आपना भड़कपन नहीं दिखाऊंगा यहाँ हम शागिर्द और आप आप क्या हैं उस्ताद हैं पूरे तरीके से ये जाहिर कर दिया ऐसे भारत के अंदर और कुछ भी नहीं है दूसरी बात क्या है इजाज़त लेने के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी भी शख्स से ये बात कहें कि आप मुझे इस क्लास में बैठने की इजाज़त दीजिए एक सेगा ये भी होता है एक तरीका यह भी होता है कि आप क्या कहिए मुझे इसमें बैठने की इजाज़त दीजिए इजाजत लेने का तरीका है और कोई भी इसको बुरा नहीं मानता है कोई भी शख्स अगर कहे बर करम आप मुझे भी बैठने की इजाजत दीजिए हम कहेंगे बड़ा बदब आदमी है बेदब नहीं कहेंगे उसको लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या आता है उर्दू जबान में हम उसको कहते हैं अम्र का सेगा आता है यानी इजाज़त दीजिए इजाज़त दीजिए फिर भी हम थोड़ा सा उसको अम्र का सेगा इस्तेमाल कर यानी हुक्म देने जैसा कहते हैं इजाजत दीजिए अगर चेक की बराह करम कहें मूसा सलाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा क्या कहते हैं हल अथबी उक ये कहते हैं इस्तीफाम सवाल सब पूछते हुए उनसे कि आप मुझे इजाज़त दीजिए ये नहीं कहा कि आप मुझे इजाज़त दीजिए बल्कि क्या कहा क्या मैं आपके पीछे पीछे रह सकता हूँ इतना अदब किया उन्होंने कि हल अथियों का क्या मैं आपके पीछे पीछे रह सकता हूँ इस पर कि आप मुझे सिखा दें चंद वो बातें जिसको अल्लाह जो अल्लाह ने आपको सिखा रखी है ठीक है ये दूसरी बात इसके अंदर जो मूसा सलाम ने सलाम के लिए इस्तेमाल किया तीसरी बात कहते हैं पीछे पीछे रहने में क्या चीज़ होती है पहले उन्होंने पूरे तरीके से तोज़ु को इख्तियार किया है अदब को क्या किया है इख्तियार की है। साथ में क्या चीज़ है इसके अंदर ये भी है कि जो आदमी कुछ हासिल करना चाहता है उसको सामने वाले के बिल्कुल पीछे लग जाना पड़ता है बिल्कुल पीछे लग जाना पड़ता है अगर ये चाहते हैं ख्वाहिश है कि कुछ हासिल हो जाए तो क्या करना पड़ेगा सामने वाले के बिल्कुल पीछे लग जाना पड़ेगा जब भी मौका मिले उसको छोड़ना नहीं है पहले की जो तालीम थी मुहदसिन की खास तरीके से या असलाफ की उनकी तालीम यही हुआ करती थी सामने वाले के पीछे लग जाना अभी हमारे पास जो तालीम है दुनिया के अंदर जो अमरीकी निज़ाम के ज़रिए से आई हुई तालीम है वो क्या है एकेडमिक ईयर होता है और हर स्कूल का एक टाइम होता है उसमें हर उस्ताद का एक टाइम होता है अपने टाइम पर आया और आया और उसके बाद चला गया मामला ख़त्म हो गया इसमें पीछे रहने वाली बात नहीं आती है लेकिन उनके दरमियान क्या थी बात पीछे रहने की बात थी नुआम मुजमिर एक ताबेई हैं अबू है, अब वो है जो कि साहबी हैं बीसीों साल उनके पीछे पीछे रहे। और ऐसे बहुत से महादेष इमाम मालिक रम्मत ला के बहुत से शागद उनके साथ जो तीस साल रहे चालीस साल रहे इस तरह की बहुत सारी जो है मिसालें हैं तो ये उनके यहाँ तरीक़ा था कि ये लोग सामने वाले के बिल्कुल पीछे पड़ जाते थे कुछ हासिल करने के लिए, लिए कि हम इनसे ये चीज़ हासिल करके छोड़ेंगे मूसा आसलम ने वही चीज़ इस्तेमाल किया उसके बाद क्या है अल्लेमानी। अल्लाह तला ने क्या कहा यहां पर अल्लेमानी। इस पर कि आप मुझे सिखाए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसलिए आपके पीछे रहना चाहता हूं कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं फर्क समझ में आया आपको यानी ये लफ्ज यहां नहीं कहा गया है कि मैं आपसे कुछ सीखने के लिए आपके पीछे पीछे रहूंगा बाकी क्या कहा मैं आपके पीछे इसलिए रहूंगा कि आप मुझे कुछ सिखाएं यह भी उनका अदब है हालांकि वो खुद सीखेंगे वो सिखाएंगे नहीं ये पीछे रहेंगे और पीछे रह करके उनसे कुछ इल्म हासिल करेंगे लेकिन ये कहने के बजाय कि मैं आपके पीछे पीछे रह करके आपसे कुछ इल्म हासिल कर लूं क्या कहा उन्होंने आप मुझे उस दौरान कुछ सिखाएंगे उसके बाद कहते हैं का मिम माँ और लिद रुशदा ये मिन और माँ है अरबी जबान में बहुत से लोग आप लोगों में से अरबी ज़बान भी जानते हैं उस लिहाज से मैं ये बात भी अर्ज़ कर रहा हूँ जैसा कि मुझे मालूम है कि आप लोग ये चीन चीज़, चीन चीज़ों को जानते हैं इसलिए आप अच्छी तरह समझ भी सकते हैं ये मिन है और ये माँ है हम पढ़ते क्या है मिम माँ अरबी जबान के ग्रामर के लिहाज से ये मिन अरबी जबान में जो उसके कई माने आते हैं उसमें से एक माना होता है उसको कहते हैं मिन तबीज़ का तबीज का मतलब ये कि कुछ चीज़ बताने के लिए समथिंग यानी कहने के लिए क्या कहते हैं मिन कहते हैं अरबी जबान में तो यहाँ क्या क्या मिन मिम मिन मम मा, मा लिमता तो ये मिन तबीज़ के लिए यानि उसमें से थोड़ा जो आपको सिखाया गया तो इसके अंदर माना यह भी रखा कि मूसा सलाम ने जब उनसे ये दरख्वास्त आप मुझे सिखाइए तो वो भी दरखास्त करते हुए ये भी उन्होंने नहीं कहा कि आपको जो इल्म है आप वो मुझे सिखा दीजिए बल्कि ये कहा कि मैं आपका थोड़ा आपके पास तो माशाल्लाह बहुत इल्म है आप इल्म के समंदर हैं लेकिन उसमें से मैं थोड़ा हासिल करना चाहता हूँ मिम्मा उल्म तशदा फिर उसके बाद मूसा आसलम ने अलैहिस्सलाम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो क्या है था। अरबी जबान में अगर हमें कहना हो तो हम कहेंगे मिम्ा तालम यानी क्या लफ्ज़ होता है क्या माना होगा उसका कि आप मुझे सिखाएं उसमें से जो आप जानते हैं जब हम कहेंगे मिम् तालम जिसमें से आप जो अब जो कुछ आप जानते हैं उसमें से थोड़ा मुझे आप सिखाएं ठीक है कब होगा माना ये जब हम क्या कहें मिम्मा तालक जो आप जानते हैं लेकिन यहां क्या क्या गया मिम्मा और लिमता माना इसका क्या है जो आपको सिखाया गया यानी मतलब क्या है तो हाँ तो जो अल्लाह ने आपको सिखाया है जो अल्लाह ने आपको सिखाया है ये जहन में भी रहे कि ये नहीं कहा जो आप जानते हैं बल्कि ये कहा कि जो आपको सिखाया गया है किसने सिखाया अल्लाह ने सिखाया मतलब क्या आपके पास भी जो इल्म आया हुआ किसकी तौफीक से आया हुआ है अल्लाह की तौफीक से अगर कोई आदमी अपने जहन में ये बैठा ले कि हमारे पास जो कुछ भी इल्म आया है सामने वाले के पास उसके पास भी किसकी तौफीक से आया है अल्लाह की तौफीक से और मेरे पास भी जो आएगा किसकी तौफीक से आएगा अल्लाह की तौफीक से आएगा किसी का अपना कुछ नहीं होता है वो सिर्फ़ मेहनत करता है तौफीक किसकी होती है ऊपर वाले की होती है ठीक है क्या कहा अला अंत और ममता जो आपको सिखाया गया है जो इल्म आपको दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से उस इल्म में से मैं क्या चाह रहा हूँ बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा चाहता हूँ आपके पीछे पीछे रह करके मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे उसमें से क्या कर दीजिए थोड़ा सिखा दीजिए ये दरख्वास्त किसने दी मूसा सलाम ने किसको खजी अल्लाम को कि आप मुझे सिखा दीजिए आखिरी नुकता क्या है इसमें दुनिया में इंसान बहुत कुछ सीखता है सीखता नहीं सीखता है बात चीजें कुछ कुछ लोग सिखाते हैं तो सीखते हैं और बात चीजें लोग सिखाना नहीं चाहते हैं फिर भी क्या करते हैं सीख लेते हैं है लेकिन सीखते जरूर है दुनिया में बहुत सारी चीजें सीखते जरूर हैं जो चीजें सिखाई जाती हैं वो चीजें अच्छी भी होती हैं और ऐसी भी होती हैं जो गुमराह करने वाली भी होती है उन्होंने जो दरख्वास्त दी उसमें यह लफ्ज भी आप सोच ही सकते हैं अलैहिस्सलाम क्या सिखाएंगे उनको हाँ क्या सिखाएंगे हिदायत की बात तो ही सिखाएंगे और तो कुछ सिखाने के नहीं लेकिन इसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं शुद्दा यानी हिदायत की बात है एक ऐसा इल्म जो हमें जिंदगी गुजारने का सलीका सिखा सके जिससे हम अपने रब को पहचान सकें ये बातें उन्होंने उनके सामने रखी हालांकि वो सिखाते यही इल्म, लेकिन फिर भी क्या है पहले जहन में ये चीज़ बैठी हुई है कि हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं इस इल्म के ज़रिए से हम क्या सीखेंगे हाँ ज़िंदगी गुजारने का सलीका सीखेंगे अल्लाह की हिदायत की चीज़ें सीखेंगे इससे इंशाल्लाह हम गुमराह नहीं होंगे रास्ते से भटकेंगे नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तौफीक से हम सीधे रास्ते को और अच्छी तरह से जान करके उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे यही इस पूरी आयत के अंदर बयान किया गया अगली बात ये हाँ फिर से पढ़ूँ इस आयत को इससे पहले भी आप ये आयत पढ़ते रहेंगे होंगे पढ़ते रहेंगे नहीं लेकिन अब दोबारा पढ़ेगा देखिए इस आयत को पढ़ने में फिर आपको कितना लुत्फ़ा आता है हल अत भी का आला अंतु मिम्मा अनथअलमानशद बहुत मामूली से अल्फाज होते हैं कुरान में लेकिन उनके अंदर मानी ऐसे ही होते हैं अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर रखी हैं वो एक इल्म का समंदर है हमें क्या होना तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर कुछ तैर करके कुछ हासिल कर लेना होता है यही अल्लाह तबालक वाली की तरफ से हमसे क्या है मतलूब है तो मैं आपसे वही चंद बातें जो अभी हमारे शाकिर भाई ने कही मैं आपको क्लास के तालों से चंद बातें अर्ज़ करता हूँ सबसे पहली बात क्या है हम जब आए यहाँ पर तो फ़िकेर में सबसे पहला कायदा है अल-ओमुरु अलमूर बे मकादेमूर अल बे मकासीदा किसी भी चीज़ में असल चीज़ उसका मकसद होता है मकसद को सामने रख कर के ही कोई बात कही जाती है हैी वो कवायद फ़्रिया बहुत ज़्यादा हैं उसमें से पाँच ख़ास तरीके से बड़े कवायद माने जाते हैं तो उसमें से एक पाँच में से एक ही है अलमूर वकास देहा कोई भी चीज़ अपने मकसद के लिहाज से होती है आप एक बड़ा मकसद ले कर के आएँगे तो उसी के लिहाज से आपसे मेहनत की भी तलब होगी थोड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं उन परेशानियों को क्या कीजिए बर्दाश्त कीजिए अगर मुसा ने सफ़र की बहुत ज़्यादा थकान सब बर्दाश्त की थोड़ा इल्म हासिल करने के लिए किन से अलैहिस्सलाम से तो मेरे ख्याल में हम जितनी भी परेशानियाँ इस सिलसिले में उठाएँगे बर्दाश्त करेंगे शायद ये उसके मुकाबले में बहुत कम होगी नहीं तो पहले ये चीज़ होगी इलास के तल्ल से कि हम एक बड़े मकसद को सामने रख कर कि हम चाहते ये हैं कि हम कवायद फ़्रिया को अच्छी तरह से समझ लें एक सब्जेक्ट है ये उसको हम अच्छी तरह से समझ लें आधा बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं जैसे मुशा इस्लाम ने कहा कि हम जब तक पहुंच नहीं जाएंगे बीच में रुकेंगे नहीं वैसे ही ध्यान में रखिए कि जो भी परेशानी आएंगी थोड़ा बर्दाश्त करेंगे लेकिन बीच में रुकेंगे नहीं और इन हम इसे मुकम्मल करेंगे दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप यहाँ पर आए तो ये कोशिश करें कि जैसा वक्त जो भी मुतिन किया जाए उस वक्त के लिहाज से उसमें पहुँच करके और जो भी आपके सामने बातें पेश की जाने वाली हैं उसको सही तरीके से जो भी नोट करना हो कुछ भी करना हो उसको आप जो है उसके लिहाज से नोट करके अपने जहन में बैठाने की कोशिश करें अगर बिलफर्ज वैसे पूरा यकीन है कि आपको बातें समझ में आ जाएंगी इन शाला और परेशानी नहीं होगी बिलफर्ज अगर कहीं समझने की कोई परेशानी हो जाए तो मेरे ख्याल में उसको पूछने में भी कोई झिझक नहीं होगी हमारे यहाँ वो शर्त नहीं है जो खजर सलाम के यहाँ थी कि आप बीच में सवाल नहीं कर सकते वो बात इनशाला नहीं आएगी आप जो भी चाहेंगे बीच में सवाल कर सकते हैं आखिर में भी कर सकते हैं बीच में भी कर सकते हैं वो परेशानी इन नहीं आएगी तीसरी बात यह होगी कि आप जब भी जैसा कि अभी आपके सामने चीज़ें मौजूद हैं नोटबुक और कलम अगर साथ आपके साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यानी ये जहन में नहीं रहना चाहिए कि जो एक किताब आपके सामने है वही किताब ही खास तरीके से आपके सामने रखी जाएगी आम तरीके से जो मेरा तरीक़ा होता है पढ़ाने का वो ये है कि मैं ज़्यादातर किताब पर वो नहीं करता हूँ एक पूरा एक सब्जेक्ट जो आम मैंने कई किताबें हमारे सामने होती हैं उनका मुताल करने के बाद जो एक आम चीज़ हमारे जहन में आती है उसी की रोशनी में हम बोर्ड पर जो है उसकी शरह करते हैं उसको बयान करते हैं यही तरीक़ा हमारा होता है तो उसी के लिहाज से आपके सामने वो पेश करेंगे हो सकता है किताब के साथ कुछ ज़ायद चीज़ें भी हैं कुछ अलग चीज़ें भी हैं तो आप उसको जो है नोट कर लें अपने पास तो ये आपके लिए ज़्यादा मुफीद चीज़ हो सकती है बाद में भी काम आने वाली चीज़ हो सकती है तो आप उसका भी ख्याल करें कि कुछ चीज़ें जो है नोट कर लें जो कुछ भी हम यहाँ हासिल करेंगे इसके बारे में हमें ये अपने जहन में रखना चाहिए और हमेशा ये बात रखनी चाहिए हर एक के लिए भी ये चीज़ है ये हमारे लिए भी है आपके लिए भी है जैसे हम ये बात कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर मदरसे में पढ़ा हुआ हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आलिम है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आलिम अभी क्या लोगों के जहनों में ये बैठा हुआ है कि कोई शख्स अगर मदरसे में बैठा पढ़ लिया है तो वो आलिम है और अगर मदरसे में नहीं पढ़ा है चाहे वो खुद से कितना भी पढ़ ले लोगों के पास कितना भी पढ़ ले कितना भी उसके पास इल्म आ जाए वो आलिम नहीं है एक चीज़ गलत तस्वर जहन में बैठा हुआ है इस तस्वर को हमें जहन से निकालना चाहिए और ये करना चाहिए कि कोई मदरसे में पढ़ना आलिम बनने के लिए ज़रूरी नहीं है मदरसे में पढ़े बगैर भी क्या बन सकते हैं आलिम बन सकते हैं आलिम किसे कहते हैं जिसके पास इल्म हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिन्होंने आपसे इल्म हासिल किया उनको हम क्या मानते हैं क्या मानते हैं आलिम मानते है हैं नहीं मानते हैं मानते हैं हम सारे साहबा के बारे में यह बात कहते हैं कि वो फ़कीह थे हम किसी को ये नहीं कहते कि वो फ़कीह थे और ये फ़कीह नहीं थे ऐसा कोई मामला नहीं है हाँ ये फ़र्क ज़रूर है और ये हमेशा रहेगा कि किसी के पास इल्म ज़्यादा होता है और किसी के पास इल्म कम होता है ये तो कहीं भी कहीं तालीम हासिल करने वालों के दरमियान ये चीज़ होती है किसी के पास कम होता है किसी के पास ज़्यादा होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई आलिम है दूसरा तो आलिम नहीं है ये मतलब नहीं होता है तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो ये सोच करके आएँ कि हमको ये चीज़ जो खालस यानी एक सब्जेक्ट ही ऐसा सब्जेक्ट है जो मदारस में भी नहीं पढ़ा जाता आम तरीके से जो भी हिंदुस्तान में जितने भी मदारस हैं उनका जो सिलेबस है उसमें ये किताब या ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं लेकिन ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती है तो ये भी आपके जहन में बात रहनी चाहिए कि आम तरीके से ये चीज़ मदारस में भी नहीं पढ़ाई जाती है हालांकि ये चीज़ है बहुत आसान बहुत आसान है लेकिन उसे पढ़ाया नहीं जाता है ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है कब कोई भी चीज़ आपको कोई नया मसला आपके सामने आता है तो फतवा देना हो फैसला करना हो उसमें इन क़वायद की बड़ी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़रूरत पड़ती है इन कवाद के किसके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में आपको फ़ैसला करना है या कोई फतवा देना है तो उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है कवायद फ़ियाँ की आम जिंदगी में भी आप इन कवायद को इस्तेमाल कर सकते हैं घर की ज़िंदगी में भी दूसरी जगहों पर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े आसान किस्म के कवायद हैं और ये सारे कवायद आए कहाँ से हैं उसके बारे में चंद बातें मैं आपके सामने जो है अर्ज़ कर देता हूँ तमीद के तौर पर पहले ही बात थी कि आज के क्लास में तमहदी बात नहीं सिर्फ आएंगी जितने भी ये कवायद हैं इसके बारे में कभी ये ना सोचेगा कि इसकी कोई दलील है कि नहीं है जो शरीयत का एक आम मिजाज है किताब व सुन्नत के नसूस को पढ़ने के बाद जो मिजाज बनता है उसी मिजाज से ये कवायद बनाए गए हैं कवायद के लिए बाकायदा कोई कुरान की नस भी रहती है कि इसको दलील लिया गया फ़लाँ नस से या फ़लाँ हदीस से इसकी दलील है ये और वहीं से ये क़ायदा बनाया गया है और बाज़ के लिए वो कोई इस तरह की चीज़ भी नहीं होती है बल्कि जो आम मिजाज शरीयत का है उसी के लिहाज से ये क़ायदा बनाया गया है ये कवायद आम तरीके से मुत्तफक अलह हैं मुत्तफक अलै का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास फ़ी मजाहिब हैं उन सब के यहाँ ये मुसलम हैं आम तरीके से ऐसे ये चंद कवायद ऐसे हैं जिसमें इनके दरमियान थोड़ा सा इख्तिला भी पाया जाता है जहाँ इस तरह की चीज़ आएगी वो मैं आपके सामने वाजहे कर दूँगा कि इसमें है ये इसमें एक दूसरी राय भी है और ये राय ये है आपके सामने दोनों राय जो है उसकी पेश कर देंगे लेकिन आम तरीके से इसमें कोई इख्तलाफ़ नहीं होता है चंद तो मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ जैसे ये जो बड़े बड़े कायदे हैं उसमें से ये बात अलमशक् तो तजलब तहसीर मिसाल है यानी जहाँ परेशानी हो परेशानी कहलाती है आसानी लाती है परेशानी ये आसानी चाहती है ये कायदा है का परेशानी ये आसानी लाती है ये चीज़ आपको अपने घर में भी काम आने वाली चीज़ है बाहर भी काम आने वाली चीज़ है मुख्तलिफ मसाइल में जो आपको परेशानियाँ होती हैं उस जब आप फतवा तलब करते हैं तो कहीं कहीं समझने में जो परेशानी होती है कि ये कहाँ से कह दिया इन्होंने इसके लिए तो कुरान में कोई हद आयत नहीं या हदीस में कोई बात नहीं कही गई है ये, ये फतवा कहाँ से दिया वो फ़तवावे समझने में आपको आसानी हो जाएगी हमेशा याद रख लीजिए कि ये चीज़ें जो हम पढ़ते हैं फतवा देने के लिए नहीं बल्कि उसको अच्छी तरह समझने के लिए पढ़ते हैं तो वो समझने में आसानी हो जाती है कहाँ से ये बात कही शरीत में क्या है अलमशक्क़त तजलबु अ तहसीर उसके लिहाज से ये बात कह दी गई या कहते हैं हम अल यकीन व लजुल वो शक एक चीज़ यकीन है तो शक अगर आ जाए तो उससे वो यकीन झायल नहीं होता ये कवायद हैं इनके जो है कहते हैं अलादत व मुहकमत जो उर्फ होता है लोगों का वो भी शर्त के मानंद होता है फ़ैसला करना हो तो उसका लिहाज करेंगे उसका एतबार करेंगे हम यहाँ पर किसी भी ऑटो पर सवार हो गए फ़र्ज़ कर दीजिए मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको और कितने दस बजे का टाइम है रात का दस बजे का टाइम है हम सवार हो गए चले गए कहीं पर वहाँ गया हमने आटो का मीटर देखा और उसके लिहाज से हमने उसको पैसे दिए ऑटो वाले ने कहा कि नहीं हमको क्या चाहिए हाँ इससे डबल चाहिए।, चाहिए या डेढ़ गुना जो होता है आ, इसके जो है डेढ़ा चाहिए हमको जो है पैसे अब अगर कोई शख्स उससे लड़ने लगता है क्यों लड़ने लगता है अरे भाई मीटर जितना है हम उतना ही देंगे उससे ज़्यादा नहीं देंगे तो ये उसका लड़ना क्या है गलत है क्योंकि ये एक उर्फ है एक आदत है कि जब टाइम इतना हो जाएगा तो उसका जो भी मीटर है उसके इतना आपको देना पड़ेगा अब कोई शख्स वहाँ लड़ नहीं सकता फैसला करना है आपको फैसला किसके हक में करेंगे ऑटो वाले के हक़ में ये ना कि ये कहे लाख कहे ये शख्स की नहीं आपने तो मुझे बताया नहीं था जब मैं चढ़ा इस पर तो कि आप मीटर से ज्यादा लेंगे इसलिए मैं नहीं देता ये जुमला ये नहीं कह सकता हम फैसला उसी के हक़ में देंगे ये इसमें क्या काम आता है हमें यही कवायद फ़्रिया काम आते हैं कि उसी के लिहाज से फैसला करना पड़ता है जैसा उर्फ़ हो उर्फ़ का वहाँ पर एतबार करते हुए उसके लिहाज से उसके हक में फैसला कर देंगे ये सामने वाले के हक में फैसला नहीं करेंगे हम बस पे सवार हो गए बस पर सवार हो गए बस पर सवार होने के बाद बेंगलुर में र्फ़ क्या है कंडक्टर आएगा तो हम उससे टिकट लेंगे अपनी जगह पर बैठे रहते हैं कंडक्टर के आने से पहले अगर कोई शख्स आकर के कहे कि टिकट दो नहीं है तो बस में सवार कैसे हो गए कहे तो ये उसकी गलती है क्यों इसलिए कि यहाँ का उर्फ ये है कि सवार होने के बाद टिकट उसी वक्त लेते हैं जब कंडक्टर आता है टिकट लेके सवार नहीं होना पड़ता है इसके मुकाबले में अगर आप स्टेशन चले जाएं तो प्लेटफार्म पर जाने से पहले आपको टिकट लेना ज़रूरी है आप ये कहें कि अभी तो मैं सवारी नहीं हुआ मुझसे जो टिकट कैसे मांग रहे हो तो आप ये क्योंकि ये उर्फ है वहाँ का जो उर्फ है उसकी हैसियत कैसी होती है जैसे पहले ही शर्त लगा दी गई हो उसी के लिहाज से फैसला होगा हम ये नहीं कह सकते हम तो अभी सवारी नहीं हुए हैं ट्रेन पर हमसे टिकट कैसे मांग रहे हो ऐसा नहीं कह सकते वहाँ पर तो जहाँ जैसा होता है वफ़ उसके लिहाज से फैसला करना होगा ये भी कवायद फ़िर में ये चीज़ शामिल होती है तो यही चीज़ें आपके सामने इन शो चीज़ें बड़ी तफसील से आपके सामने क्योंकि मेरा इरादा यही है कि जो मैं आपके पास आया हुआ हूँ तो मेरे पास कई सिलसिले इस में यानी सब्जेक्ट के तलुक़ से कई किताबें हैं चूँकि ज़ाती तौर पर मुझे इस सब्जेक्ट से दिलचस्पी है मैं आपको बोल हूँ ज़ाती तौर पर मुझे इससे दिलचस्पी है उस दिलचस्पी की वजह से मैंने इसकी कई किताबें जो मेरे पास से हैं भी और जो है उसको पढ़ भी रखी हैं तो उसके ख़ुलासे के तौर पर ला करके बातें आपके सामने जो है पेश करेंगे उसके लिए हम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करेंगे कि किताब में क्या है और क्या नहीं है जो भी चीज़ें हैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे आप भी कोशिश कीजिए कि, कि कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल हो ही जाए और इसके साथ साथ अल्लाह तला से दुआ कीजिए क्योंकि अगर अल्लाह ताला की तौफीक शामिल हाल रही तो कुछ हासिल भी कर सकते हैं और कुछ यहाँ से ले करके भी जा सकते हैं अगर उसकी तौफीक नहीं है तो हम लाख कोशिश कर लेंगे या आप लाख कोशिश कर लेंगे कुछ भी हासिल नहीं होगा तो अल्लाह ताला से इसी दुआ के साथ मैं आज का दस को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी इस दरस से फ़ायदा पहुंचाए हम जो आ रहे हैं यहाँ पर या आएंगे आइंदा भी तो हमारे आने को मुफीद बनाए और उसे अल्लाह ताला हमारे नेकियों के मिज़ान में क़यामत के रोज़ रखे आमीन अकोलकौली हरदा वस्तफ़िरल मन वस्त फिरोल खो रहे